उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको लेकर लगातार गुंडे माफियाओं के अपराध की दुनिया में कदम रख कर बनाई गई बेनामी समाप्ति कुर्क की जा रही है। उसी के तहत रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरबाज में भी एक अपराधी सरगना की आज करोड़ों की संपत्ति पुलिस प्रशासन द्वारा ढोल लंगाड़ों के साथ कुर्क की गई। ढोल लंगाड़ों के साथ पुलिस बल को गौर से देखिए, ये सभी लोग अपराधी सरगना हंसराज उर्फ बब्बा की संपत्ति को कुर्क करने पहुंचे हैं, जहां बताया जा रहा है कि अपराधी हंसराज पर 5 मुकदमे दर्ज हैं और ये अपने गिरोह का सरगना है। इस पर हत्या का प्रयास, लूट, SC/ST व गैंगस्टर आदि मुकदमे दर्ज थे, जिस पर यह वांछित चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसने अपराध की दुनिया में कदम रखकर बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिसे न्यायालय के आदेश पर आज 2 मंजिला मकान व 1 पल्सर गाड़ी को कुर्क किया गया है, जिसकी बाजारों कीमत 1 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक की माने तो यह शातिर बदमाश है और इस प्रकार कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज इसकी बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, TV इंडिया 18 रायबरेली। ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज और बउवा है, जिसके करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 1-2 मंजिला मकान और उसका 1 निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर दिया गया। सर, किसकी गैंग का सदस्य था यह? ये खुद अपने गैंग का लीडर था। इसके ऊपर लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं।